कैसे हैं आप? मैं उम्मीद खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज आप सबको मालूम पता चल गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है कि क्या हम अपने कंप्यूटर पर उर्दू लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आप अपने कंप्यूटर पर जहाँ चाहें, जिस प्रोग्राम के अंदर चाहें, उर्दू बहुत आसान तरीके के साथ टाइप कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है इसमें। जस्ट आपको सिर्फ दो चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करनी है। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये फाउंट है, जमील फाउंट, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको जब डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद इस तरह आपके पास आएगा। इसको आप क्लिक करके और इंस्टॉल कर लीजिएगा दोनों को, ठीक है। सेकेंड, उसको अब आपके पास पाक उर्दू इंस्टॉलर है, ये भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, ये भी आप डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट कीजिएगा, तो फिर आपके पास इस तरह ये ENG इंग्लिश वाली जो है बार आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जब आप रिस्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को तो ये वर्किंग करेगा। उसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर उर्दू लिखनी है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर है और ये तमाम ऑफिस में, स्कूल्स में और हर जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसमें हम इंग्लिश लिखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। मैं आपके सामने इंग्लिश लिखता हूँ, कोई भी फॉन्ट चूज़ करके। क्या देखें, वी आर वॉचिंग डेली TV, ठीक है दोस्तों। अब उर्दू तो हर कोई लिख लेता है, इसमें हर बंदे को उर्दू का, इंग्लिश का पता है कि इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, वेरी सिंपल। दोस्तों, उर्दू भी इसी तरह बहुत आसान है लिखना। सबसे पहले हम फाउंट में जाएंगे और हमने जो फाउंट इंस्टॉल किया था उसको चूज़ करेंगे। ये जमील नूरी के नाम से आ रहा है, इसको चूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जाकर उर्दू को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने कीबोर्ड से उर्दू लिखेंगे। हम देख रहे हैं डेली TV। ये देखो दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू लिख ली। तो दोस्तों, अब हम इसको फॉन्ट पीस का, जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश का हम टेक्स्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको कलर भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर जिस तरह हम चाहें इसको हम कर सकते हैं। बोल्ड भी हम इसको कर सकते हैं और दोस्तों, हम इसका फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तरीका कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू कैसे लिखें, ठीक है दोस्तों। अब इसी हम सेम तरीके को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी क्या हम उर्दू लिख सकते हैं। तो जी दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी उर्दू लिख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ से अपना फॉर्म चूज़ करेंगे। फॉर्म के लिए हम सबसे पहले इसको यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्म, ये फॉर्म चूज़ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से उर्दू करेंगे और हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हम देख रहे हैं डेली TV। ये देखें दोस्तों, सेम, कोई हमने चेंजिंग नहीं की, जस्ट फाउंड अपना जो हमने इंस्टॉल किया था उसको सिलेक्ट किया और हमने अपनी लैंग्वेज उर्दू की। तो हम एक्सेल में भी उर्दू लिख रहे हैं और यहाँ भी दोस्तों, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखो, और इसका हम फॉन्ट भी बड़ा छोटा कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब हम आते हैं पावर पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी हम इसी तरह, जैसे हमने बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में फॉन्ट चूज़ किया और उर्दू को सेलेक्ट किया, इसी तरह हम
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पावर पॉइंट में भी हम लिखते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड बनाई है, हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले हम यहाँ पे इंग्लिश लिखते हैं, ये देखो दोस्तों, वी आर वॉचिंग डेली टीवी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब हम यहाँ पे उर्दू में टाइप करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ से अपना फॉन्ट चेंज करेंगे जो हमने सेलेक्ट किया था। उसके बाद दोस्तों हम उर्दू को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों हम देख रहे हैं डेली टीवी, देखें दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ से इसका फॉन्ट भी अपनी मर्जी के साथ बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में करते थे। देखें दोस्तों मैं इसको यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, ये देखें दोस्तों। कलर भी हम उसका यहाँ से जो हमें पसंद है हम वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसको डिज़ाइन भी कोई भी हम दे सकते हैं, देखो दोस्तों कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन होती है, जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मुझे आता है मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है दोस्तों। तो अभी इन फ्यूचर में आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, एक्सेल के और पावर पॉइंट के बहुत से अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल और शॉर्टकट इन्फॉर्मेशंस जो कि आप करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उर्दू लिखूँ, तो दोस्तों ये मैंने एक तरीका ढूंढा उर्दू लिखने का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली मुझको सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।